नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। हरदोई जिले में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट और दूसरे चरमपंथी हमलों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए हमें हमारे त्योहार मनाने से रोकते थे, यूपी की जनता उन्हें 10 मार्च को जवाब देगी। आइए सुनते हैं अपनी बात में उन्होंने क्या क्या कहा। मेरे देशवासियों, मैं विस्तार से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ऐसा विषय है जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। ये विषय है आतंकवाद। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी, माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ। ये बातें टीवी में आती हो या ना आती हो, अखबार में छपती हो या ना छपती हो, लेकिन जब सच्चे मन से पवित्र संकल्प के साथ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से जब काम करते हैं ना, तो गरीब के दिलों में जगह बन जाती है।